अर्द-ए-आमाल में बस आश्क हमारे होंगे हश्र के दिन यही बख्शिश के सहारे। ये कब्रें सानिया अली रजा इमाम बारगाह के शहीदों की हैं। शहीद फाउंडेशन ने शहीदों की कब्र में बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें शहीदों की मुकम्मल तफसील मौजूद है। इस बोर्ड को दूर से देख के मालूम हो जाता है शहीद की कब्र है। हालिया शिया टारगेट किलिंग में शहीदों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है जिसको देखकर दिल खून के आंसू होता है। غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو دل ملبوس۔ شہید استاد سبط جعفر اس قبرستان کی رونق ہیں۔ ان کی قبر کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہر وقت ان کی قبر پر پھول موجود ہوتے ہیں۔ جس کی تھی آرزو گھڑی آ گئی۔ یہ قبر بزرگ استاد شہید پروفیسر تقی ہادی نقوی کی ہے जिन्हें जालिमों ने शाहिद की ये कब्र है। अर्द-ए-आमाल में बस आश्क हमारे होंगे हश्र के दिन यही बख्शिश के सहारे होंगे। कब्र में चैन से सोएंगे आजादा रे हुसैन, आँख खोलेंगे तो कौसर के कनारे होंगे। ये वादी हुसैन का दूसरा अलमे के जवा साला फर्जंद सलमान आजमी भी इस कब्रिस्तान में दफन है।
शबाब उल-मोमिनीन के मशहूर मारूफ नोहा ख्वां गुलाम असगर खान भी वादी हुसैन में दफन है। तमाम कब्रें एक जैसी और मजबूत बनी हुई हैं। हालिया तूफानी बारिशों में जहां दीगर कब्रिस्तान में कब्रें धस गईं, अल्हम्दुलिल्लाह वादी हुसैन में किसी भी कब्र में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। शुरुआत में कब्र की कीमत 4,000 रुपए थी। कब्र की मौजूदा कीमत 13,000 रुपए है, जो दूसरे कब्रिस्तानों के मुकाबले बहुत कम है। आलम शाहजी सिर्फ कब्र की तामीर के पैसे ले रहे हैं, जमीन की कोई कीमत नहीं ले रहे। तदफीन के 40 दिन बाद कब्रें पक्की हो जाती थी, लेकिन नेशनल टाइल्स की बंदिश के बाद पिछले एक साल इंतजामिया को टाइल्स के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आलम शाहजी के मुताबिक अब दोबारा कब्र की तामीरात का सिलसिला शुरू हो गया है। आइंदा कुछ अरसे में सारी कब्रें पक्की हो जाएंगी। मुख्तलिफ कब्रों में सोलर लाइट्स और सोलर साउंड सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे तिलावत, दुआएं, जियारात और नूहों की आवाज गूंजती है। आने वाले जायरीन के लिए जगह जगह बैठने के लिए बेंचेस का इंतजाम है। सड़क के किनारे जगह जगह ठंडे पानी के कूलर लगे हुए। जायरीन धूप में साया हासिल कर सकें, इससे शदीद गर्मी में ठंडक का एहसास होता है। ये कहना गलत ना होगा, वादी उस-सलाम के बाद मोमिनीन की आरजू है उनकी आखिरी आरामगाह बागे वादी हुसैन हो। आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि अपने मोमिनीन को शामिल करते हुए इस कब्रिस्तान में मौजूद तमाम मोमिनीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ दें। उम्मीद है आपको हमारी काविश पसंद आई होगी। हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करें, शुक्रिया। 99 की बात है, मेरे एक दोस्त हैं भाइयों नुमा यावर साहब, उन्होंने शादी कोई अनोखा काम करना है, तो मैंने कहा